कोई एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से आप लोगों को नहीं बताता हूं, जो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे लिखा होता है वही मैं आपको बताता हूं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो संजीर कतर और मैं मोहम्मद संजीर आलम। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो आपको कतर जाने से पहले कौन कौन से पेपर आपको साथ में लेके जाना होगा, क्योंकि अभी कतर का जो ट्रैवल पॉलिसी है वो चेंज हो चुका है 4 तारीख से। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं आपको कतर जाने से पहले कौन कौन से पेपर लेके जाना है, तो आपको जाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोगों के साथ में मैं वही बातें शेयर करता हूं जो गवर्नमेंट की तरफ से बताया जाता है, कोई एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से आप लोगों को नहीं बताता हूं, जो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे लिखा होता है वही मैं आपको बताता हूं, जाने वाले लोगों से जो मालूमात मिलता है वही आप तक पहुंचाता हूं। तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूं, तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। आपके पास में न्यू वर्क वीजा है या तो आप दूसरी बार कतर जा रहे हैं नए वर्क वीजे पे, तो आपको जाने से पहले आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आपको कतर जाने से पहले इमिग्रेशन कराना होगा, अगर आपका पासपोर्ट ECNR है तो आपको कतर जाने से पहले इमिग्रेशन नहीं कराना है। जिसके पासपोर्ट पे लिखा रहेगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, तो आपको कतर जाने से पहले इमिग्रेशन कराना होगा, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। दूसरे नंबर की बात कर ले तो आपके साथ में वीजा कॉपी होना चाहिए, एयरपोर्ट पे आपको दिखाना पड़ेगा। तीसरे नंबर की बात कर ले तो कतर जाने से पहले आपको एहतराज के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां से आपको एक अप्रूवल पेपर मिलेगा जो कुछ इस तरीके का दिखेगा जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अप्रूवल पेपर आपको साथ में लेके जाना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताया गया आपको कतर जाने से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको केवल पासपोर्ट कॉपी अपलोड करना है, इसके अलावा आपने जो वैक्सीन लिया है वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको एहतराज के वेबसाइट पर अपलोड करना है। कैसे करना है इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, जल्द ही एक नया वीडियो आने वाला है जिसमें आपको हैंड टू हैंड एहतराज पे रजिस्ट्रेशन करते ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आपको कैसे मिलेगा आने वाले वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। चौथे नंबर की बात कर ले तो आपको एयरपोर्ट पे जो आपने वैक्सीन लिया वो भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। कतर MOPH ने वैक्सीन को 2 ग्रुप में बांटा है, एक तो कंडीशनली है एक तो अप्रूव्ड है। अगर आपने कंडीशनली वैक्सीन लिया, दोनों वैक्सीन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अगर आपने कंडीशनली वैक्सीन लिया है तो आपको कतर जाने से पहले एंटीबॉडी जो टेस्ट है ये कराना होगा। अगर आपने अप्रूव्ड वैक्सीन लिया है जिसमें फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, कोविडशील्ड हो गया, एस्ट्राजेनेका हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन हो गया, ये सारे वैक्सीन लेने वाले को एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कराना है। अगर आपने कंडीशनली वैक्सीन लिया है तो आपको कतर जाने से पहले एंटीबॉडी का जो टेस्ट है इसको दिखाना पड़ेगा, और एहतराज के जो वेबसाइट है वहां पर भी आपको एंटीबॉडी टेस्ट का रिपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा। पांचवे नंबर की बात कर ले तो आपको कतर जाने से पहले PCR टेस्ट कराना है या तो रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना है। आपको बताते चले, अगर आप PCR टेस्ट कराते हैं तो आपको जाने से 48 घंटे के अंदर का PCR टेस्ट कराना है, अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट करा के जाते हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। कतर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इस बार 2 ऑप्शन दिया है, अगर आप चाहें तो रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं, आप चाहें तो PCR टेस्ट करा सकते हैं, दोनों में से एक टेस्ट करा के आपको कतर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों का क्या है, तो आपको बताते चले 0 से 5 साल के बच्चे को यहाँ पर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, अगर 6 साल के बच्चे हैं 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनको कतर जाने पे टेस्ट कराना होगा। अगर विजिट वीजा पे जा रहे हैं विजिटर में जा रहे हैं तो उनको कतर जाने से पहले टेस्ट कराना जरूरी होगा। ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिन लोगों के पास में न्यू वर्क वीजा है या तो विजिट वीजा है या तो ऑन अराइवल पे जा रहे हैं, तो उनको ये ट्रैवल पॉलिसी फॉलो करना होगा। इसके अलावा ऑन अराइवल पे जाने के लिए और भी डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो डाल दूंगा। अगर आपके पास में कतर ID है तो आपको कतर जाने से पहले न तो PCR टेस्ट कराना है, बिना PCR टेस्ट करा के आप कतर जा सकते हैं। आपको कतर पहुंचने के बाद 24 घंटे के अंदर में एक रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट आप किसी प्राइमरी हेल्थ केयर में करा सकते हैं या तो किसी प्राइवेट हेल्थ सेंटर में से किसी एक में करा सकते हैं। अगर आप 24 घंटे के अंदर में रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं कराते हैं तो आपका एहतराज का जो कलर है उसको चेंज कर दिया जाएगा। अगर आप नए वर्क वीजे पे जा रहे हैं तो आपको एहतराज का जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना है,
आप चाहे तो इंडिया में ही एक्टिव कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, आप चाहे तो कतर एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे एहतराज के मोबाइल एप्लीकेशन में रजिस्टर करना है इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके पास में कतर आईडी है तो आपको एयरपोर्ट पे वीजा के जगह पर कतर आईडी ही दिखाना है, आपको पासपोर्ट दिखाना है और आराम से आप कतर जा सकते हैं। आपने जो वैक्सीन लिया वो सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। दोस्तों अगर आप कतर जाना चाहते हैं अभी या तो अगले महीने में तो आपको इसी ट्रैवल पॉलिसी को फॉलो करना होगा। तो अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो हमने जितने पेपर बताए हैं ये सारे पेपर आपको कतर जाने से पहले आपके पास में होना चाहिए, अगर कम रहता है तो आपको एयरपोर्ट से वापस आना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की थी ये वीडियो, अगर वीडियो समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया।